लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपकी यात्रा का मकसद जनता के पैसों पर पर्यटन और पिकनिक मनाना ही है। जहां आप अपनी यात्रा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करवाए, वहां आपकी योजनाएं बदहाल है। आज भी इन गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो जिस गांव में जिस जगह आप जा रहे हैं वहां अमृत सरोवर योजनाओं से कितना तालाब निर्माण को हुआ है देख लें और जांच लें, लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा आज मुंगेर में, और ऐसे में मुंगेर अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह, उनका लोकसभा क्षेत्र है। और वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उनका भी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुंगेर समाधान यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है और साफ साफ कहा है कि आखिर पिछली बार आपने आया था तो आपने कई सारे वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ, आखिर वो वादा आप कब तक पूरा करेंगे, आखिर इस बार आप आ रहे हैं तो क्या ये बात आप बताएंगे कि जो वादा पहले किए थे वो वादा को आप कब पूरा करेंगे, और भी क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आप देखिए इस वीडियो में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के श्री श्रीवाओं की धरती मुंगेर कमिश्नरी में कदम रख रहे हैं। कल आप अपने समाधान यात्रा पर लखीसराय भी आ रहे हैं। लखीसराय न सिर्फ हमारा विधानसभा क्षेत्र है बल्कि जन्मभूमि कर्म भूमि दोनों है। इससे पहले भी आप 3 बार विभिन्न योजनाओं के क्रम में लखीसराय मुंगेर से पूरा आए हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपकी यात्रा का मकसद जनता के पैसों पर पर्यटन और पिकनिक मनाना ही है। आज हलसी प्रखंड का आगत गांव, सुजगढ़ा प्रखंड का रामपुर गांव और बढ़िया प्रखंड का खुठा गांव, जहां आप अपनी यात्रा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करवाए, वहां आपकी योजनाएं बदहाल है। आज भी इन गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। अच्छा होता अगर आप अपनी इस यात्रा में उन जगहों पर इस कमिश्नरी के गांव में पहले की यात्रा में जा चुकी थी, जाकर देखती क्या और कितना बदला है। लखीसराय जिले, मुंगेर जिले से पूरा जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आपकी पुलिस और थानेदार उगाही के लिए ट्रक में लटक कर जिले की सीमा को पार कर रहा है। थानेदार की पोस्टिंग में बोली लग रहा है। दलालों व बिचौलियों का हर जगह बोलबाला है। जनता त्राहिमाम कर रही है। पुलिस दारू और बालू में पैसों की उगाही में लगा हुआ है। कानून का राज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, आज भी हलसी के लोगों का स्टेडियम बनने का सपना अधूरा है। आज भी टाल के किसान परेशान हैं। आज भी कृषि फॉर्म का डेवलपमेंट के लिए लोग लालायित है। आपके लोग टाप टाल योजना के नाम पर लाखों करोड़ों लूटने का काम कर रहे हैं। सुलिस गेट के नाम पर लाखों रुपये लूटने का काम किया जा रहा है, जो 2 साल के अंदर बनने का था उसका 4 वर्ष होने जा रहा है। आज भी दलहन का क्षेत्र घोषित करने के लिए वहां की जनता लालायित। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो जिस गांव में जिस जगह आप जा रहे हैं वहां अमृत सरोवर योजनाओं से कितना तालाब निर्माण को हुआ है देख लें और जांच लें, लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि जो काम करने वाला है। तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर जमकर निशाना साधा और साफ साफ कह दिया कि आप आज मुंगेर में जा रहे हैं कि पिछली बार आप आए थे तो कई सारे वादे भी किए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ, क्या आप इस बार आ रहे हैं तो जो वादा आपने किया था उन वादों के बारे में आप बताएंगे कि आप वो वादा कब पूरा करेंगे। और वहीं विजय सिन्हा ने ये भी कहा कि जो टाल क्षेत्र की जो टाल क्षेत्र है, लगातार वहाँ पर जो आपराधिक घटनाएँ हैं लगातार देखने को मिले, आखिर टाल क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उस समस्याओं से लोगों को कब निजात मिलेगा, और भी क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।